गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जनपद पंचायत गोरेला में जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ 11 जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। 16 जनपद सदस्यों में से 11 जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 11 जनपद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव में जनपद सदस्यों को बिना सहमति के मनमाने ढंग से कार्य कराए जाने एवं जनपद सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित जानकारी मांगने पर दुर्व्यवहार करने सहित जनपद सदस्य क्षेत्रों के निर्माण कार्यों को पैसा लेकर ठेकेदारों से करने का आरोप लगाए हैं। वहीं जब इस विषय में जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता बैकरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है, मेरे द्वारा किसी तरह का किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, यह सब आरोप झूठे हैं। वहीं आपको बता दें, यह अविश्वास प्रस्ताव तब सौंपा गया है जब सत्ता दल के भीतर खाने की अंतरकला जग जाहिर है। पहले ही जिला अध्यक्ष को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। अभी जिला अध्यक्ष का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस के ही जनपद पंचायत अध्यक्ष का विश्वास प्रस्ताव सामने आ गया। बताते चले कि ममता पैकरा आदिवासी अंचल क्षेत्र में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो निश्चित ही सत्ता दल को काफी नुकसान होगा। जनपद सदस्य जिनके द्वारा कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा गया है उनमें मुख्य रूप से जनपद सदस्य सविता राठौर, गुंजन राठौर, वर्षा तंवर, जमीला लोधा, सुमित्रा सोनवानी, गायत्री राठौर, छत्रपाल पैकरा, सहदेव वाकरे, मोनिका कोरी, राम प्यारी बैगा, पवन पैकरा शामिल है। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।